गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे आई एम एक्सप्लेनिंग यू चैप्टर नंबर 3 नाते मदीना द प्रेज ऑफ द मदीना. ये नात लिखी है बहजाद लखनवी ने. लेट स्टार्ट. जिन्हें कर देता है बेकुल मदीना, निकल पड़ते हैं वे पैदल मदीना. मतलब जिन्हें चाह होती है मदीना जाने की, वो इतने व्याकुल होते हैं कि वो पैदल ही मदीना निकल पड़ते हैं. खींचा जाता हूँ उन सड़कों की जानिब. यहाँ शार कहता है कि मैं खींचा जाता हूँ उन सड़कों की जानिब, मीन्स तरफ. मैं हूँ एक सांप और संदल मदीना. संदल एक लकड़ी होती है जिसमें सांप रहते हैं. तो यहाँ शार ने उसे खुद से जोड़ा है, कहा है कि मैं हूँ एक सांप और संदल मदीना. मैं दुनिया का थका हारा मुसाफिर. मुसाफिर यानी राहगीर है मेरे वास्ते पीपल मदीना. मतलब मदीना मेरे लिए ऐसे है जैसे एक मुसाफिर के लिए एक पीपल का पेड़, जहाँ मतलब वो पूरे रास्ते सफ़र करके आ रहा है और उसे एक पेड़ मिल जाए तो उसे कितना सुकून मिलता है. ज़माना तश्नगी का इस्तआरा. तश्नगी मीन्स प्यास. मतलब पूरा ज़माना प्यास है. बड़ा मीठा बड़ा शीतल है मदीना. मतलब पूरा ज़माना जो है वो तो एक प्यास है. जो मदीना है वो बड़ा मीठा और बड़ा शीतल यानी ठंडा है. इसे अपनाओ तो बन जाए जीवन. जीवन लाइफ. मतलब अगर इसे बनाते तो लाइफ बन जाए. निज़ाम ज़ीनत का मॉडल मदीना. निज़ाम ज़ीनत ज़िंदगी का इंतज़ाम. मतलब कि पूरी ज़िंदगी भर का जो इंतज़ाम है उसका मॉडल यानी नमूना वो मदीना है. यहाँ शार ने मदीने की तारीफ की है इस पूरी नज़्म में. जो शार हैं बहजाद लखनवी, उन्होंने मदीने के बारे में बहुत तारीफ़ की है और इसके बारे में बताया है कि उन्हें बहुत चाह है मदीना जाने की.